हाँ आज देखो अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं इसने, मतलब ऑप्शन ऐसे ऐसे दे रखे हैं जिनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। देखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, चार पार्ट इसके अंदर हैं। देखो पहला पहला देखते हैं, पहला पार्ट सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। फर्स्ट पार्ट का वो यूँ कह रहा है कि 2 tan 30 अपॉन 1 plus tan square 30। अब देखो 2 into tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 plus tan 30 की वापस 1/√3, लेकिन ऊपर स्क्वायर है तो अपन यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है ना। वेरी गुड। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई तो 2 आ गया, 2/√3 अपॉन 1 plus ये 1 के ऊपर स्क्वायर तो 1/√3 के ऊपर स्क्वायर तो ओनली 3। समझ गए, अब ले लो फिर से एलसीएम, क्योंकि वो अपॉन में तो ये भी अपॉन बना लो। तो 2/√3 अपनी जगह अपॉन इन दोनों का एलसीएम आ गया 3, इसको इससे डिवाइड तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो 3 का 3 में डिवाइड 1 टाइम 1 को 1 से तो 1। ओके इसके बाद आओ इधर कि 2/√3 अपनी जगह है और मैंने कहा था ना, चलो एक स्टेप और चला लेते हैं, 4/3। जब ऐसा क्वेश्चन हो अपॉन के नीचे अपॉन हो, बटे के नीचे बटे हो, तो रेसिप्रोकल कर लो, तो 3 ऊपर 4 नीचे, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम। और बहुत इजी है, किसी भी नंबर में जैसे मैं कह दूं कि √5 है ना, तो एक बात ध्यान रखना कि जैसे मैं कह दूं ये 5 है, तो ये 5 का मतलब इस 5 में √5 into √5 छुपा हुआ है। पूरी बात ध्यान से समझो कि √5 को √5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 आता है, इसका मतलब इस 5 में √5 into √5 छुपा हुआ है, हमें दिख नहीं रहा, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे मैं कह दूं कि √3 into √3 मिलके बनता है 3, इसका मतलब इस 3 में √3 into √3 छुपा हुआ है। समझ गए ना, वेरी गुड। पीछे क्या बचा अभी, ये क्यों काम है, इसके पीछे रीजन लॉजिक है, 3 का 3 और इधर √3 इधर 2, ये 3 है लेकिन ये 3 नहीं है, इस 3 में क्या छुपा हुआ है, 2/√3 into √3 छुपा हुआ है, नीचे क्या है √3 into 2। मतलब अपन इस 3 को लिख सकते हैं √3 into √3, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे √3 को मैं याद आ गया काटना था, इसलिए पीछे क्या बचा √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की होती है, कोस 60 की होती है, साइन 30 की होती है, या टेन 60 की होती है, तो सीधी सी बात है साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई समझ में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको क्या थोड़ा समझ के करना होता है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट, अब देखते हैं सेकेंड, ये रहा सेकेंड क्या कह रहा है, 1 minus tan square 45 degree अपॉन 1 plus tan square 45 degree। बड़ा इजी है, 1 minus tan 45 की वैल्यू होती है 1 और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, फिर 1 plus tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। तो 1 minus 1 का स्क्वायर भी हालांकि होता 1 ही है, 1 plus 1 का स्क्वायर यहाँ पर भी 1 होता है, यानी कि आंसर क्या है 0/2, क्योंकि 1 से 1 कट गया, कोई बात नहीं। और फाइनल आंसर क्या आ गया 0, क्योंकि किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड करने पर 0 होता है। अब ये 0 ऑप्शन की अकॉर्डिंग सेकंड ईयर आ, डी इज द राइट आंसर, डी में क्या दे रखा है 0। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी दे दिया ये। तो थर्ड देखो, तीसरा, ठीक है, तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप का है कि sin 2a = 2 sin है तब सत्य होगा जबकि a बराबर है, मतलब कि sin 2a = 2 sin इज ट्रू व्हेन a = 2, इनमें से क्या, कहने का मतलब ये है इस a की जगह क्या रखें कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, 0 डिग्री रखें या 30 डिग्री रखें या 45 डिग्री रखें या 60 डिग्री रखें, क्या रखें। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए वो हमेशा ऑप्शन की अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, ऑप्शन बिना सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। अब उसने अब कैसे बैठेगा, अपन खुद बैलेंस बिठाएंगे। देखो मैं चाहता हूँ कि आप चारों ऑप्शन से सीखो, जैसे सपोज 60 रखा अपन ने, तो साइन 2 into 60 हो गया साइन 120, इधर 2 sin 60, क्या साइन 120 और 2 sin 60 बराबर बात है, नहीं गलत है,
क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होगी रूट 3.2, जबकि 120 गलत हो गया, वो तो नहीं रख सकते, दोनों आपस में बराबर नहीं होगा क्योंकि साइन 60 है, साइन 120 है, प्लस माइनस की वैल्यू हो जाएगी। 45 डिग्री की बात करूं तो साइन 2 इंटू 45, साइन 90 हो गया, जबकि ये 2 साइन 45 ही है, यहाँ तो साइन 45 है जबकि यहाँ पर साइन 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये भी गलत हो गया। फिर 30 रखा, साइन 2 इंटू 30 हो गया साइन 60, साइन 60 और ये हो गया 2 साइन 30, बराबर नहीं होगी दोनों की वैल्यू, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है और 2 से 2 कट जाएगा, पीछे 1 बचेगा, जबकि यहाँ बचेगा साइन 2 इंटू 30 साइन 60 रूट 3.2, ये भी बराबर नहीं है। लास्ट ऑप्शन ए बचा 0 डिग्री, ये सही बैठेगा। कैसे हम देखते हैं कि हमने ए बराबर 0 डिग्री रखा, कैसे रखा आओ चेक करते हैं कि साइन 2 इंटू ए की जगह 0 बराबर 2 साइन ए की जगह 0, ये पूरा सोल्यूशन क्या बन गया, 2 साइन 2 इंटू 0, ये हो गया साइन 0, समझ गए, और 2 साइन 0, 2 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, मतलब 0 बराबर 0 बिल्कुल सत्य बैठ रहा है, ट्रू बैठ रहा है, यस, इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर, 0 डिग्री इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यह था सेकेंड पार्ट, ये था थर्ड पार्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक चौथा और रह गया, फोर्थ पार्ट, चलो अपन यही कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट इधर देखो, अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 2 टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 1/√3 है लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2/√3 हो गया, नीचे 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर ओनली 3, बात समझ में आ गई, मतलब बारी बारी से रूट खोल लेना है, मतलब स्क्वायर खोल लेना है, तो ऊपर तो है 2/√3, इसका ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आएगा 3, इसको इससे डिवाइड 3, 3 को 1 से तो 3, माइनस 3 का 3 में 1, 1 को 1 से तो 1, ठीक है, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 2/√3 तो ये वाला, अपॉन 3 में से 1 गया तो 2/3 ये वाला। अब नीचे कर दे अपन इधर, 2/√3 इंटू रेसिप्रोकल कर लो, 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, पीछे बचा ऊपर तो 3 नीचे √3। मैंने एक बात बताई थी, इस 3 में क्या छुपा हुआ है, 2/√3 इंटू √3 छुपा हुआ है और नीचे √3 है, इसे कट गया, पीछे बचा √3, क्या ऑप्शन में √3 है क्या, नहीं, लेकिन एक चीज़ है साइन टेन 60, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, इसका मतलब हम √3 को टेन 60 भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तीसरे में ए इज़ द राइट आंसर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेकंड में ए इज़ द राइट आंसर। तो काफ़ी डिफरेंट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले रीजन के साथ में बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं और आपके तो आए रहे। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड के चारों पार्ट कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि यदि टेन ए प्लस बी ब्रैकेट में √3 और टेन ए माइनस बी 1/√3, इफ टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड टेन ए माइनस बी 1/√3। अब ये जो नीचे की बात लिखी हुई ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आपको कभी भी देखने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये कहना यूँ चाह रहा है कि ए प्लस बी की वैल्यू, ए और प्लस बी की जो वैल्यू है उसको जोड़ने पर ए प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से तो बड़ी होनी चाहिए लेकिन 90 डिग्री से छोटी या उसके बराबर। इसका मतलब क्या होता है, जिस तरह मुंह खुला होता है, मतलब ए प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से तो बड़ी होनी चाहिए और ए प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी या बराबर होनी चाहिए और हमेशा ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, और ऐसा ही होता है, ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गलती कमी होती है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, तो इस पर कोई लोड नहीं लेना, अपन को तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है। मेरी बात समझ में आ गई, यानी कि 0 डिग्री ए प्लस बी की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए और 90 डिग्री से छोटी या बराबर होनी चाहिए और ए की वैल्यू बी से बड़ी आनी चाहिए, तब आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्यूशन। एक तरीका से ध्यान रखना कि मैं जैसा पढ़ रहा हूँ ना इस क्वेश्चन को, वैसा आपको पढ़ना है। क्वेश्चन में एक चीज़ मेंशन है, टेन ए प्लस बी इक्वल्स टू √3, एक बात तो ये है ना। अब इसको टेन थीटा मानो आप, टेन थीटा, ध्यान से सुनना, टेन ए प्लस बी का मतलब ये टेन थीटा है। और एक बात बताओ, टेबल आपको लर्न मैंने करवा दी, √3 का मतलब क्या होता है,
टेन साठ, पूरी बात को समझना। रूट थ्री की वैल्यू भले ही और भी कुछ होती हो, कोर्ट के पदों में भी होती हो, कोर्ट के टर्म में भी होती है, लेकिन कोर्ट वाला वैल्यू यहाँ नहीं लिखनी है। इधर टेन है तो इधर भी टेन ही लिखना है, ताकि टेन से टेन कंपेयर हो जाए। यहाँ पर टेन से टेन कंपेयर हो जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री आ गया। इसको आपको देना है इक्वेशन वन, यानी कि हमने रूट थ्री को ही कहीं साइड में लिख देना कि हमने रूट थ्री को लिखा है टेन 60, क्योंकि ये चीज़ हम जानते हैं कि रूट थ्री टेन 60 की वैल्यू होती है, और हमें टेन को गायब करना था, क्योंकि जब तक टेन को गायब नहीं करेंगे ए और बी की वैल्यू कहाँ से आएगी। इसलिए हमने इसको पहले टेन में बदला, टेन से टेन को कंपेयर कर दिया, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन था। अब सेकंड इक्वेशन उठाई, सेकंड इक्वेशन है टेन ए माइनस बी इक्वल्स टू वन अपॉन रूट थ्री। सेम टू सेम ऐसा ही करेंगे, टेन ए माइनस बी अपनी जगह रहने दो, ठीक है। और एक बात बताओ, टेन वन अपॉन रूट थ्री को लिख सकता हूँ क्या टेन थर्टी? आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि टेन थर्टी होता है वन अपॉन रूट थ्री। समझ में आ गई क्या? टेन थर्टी की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री होता है। अब टेन से टेन कंपेयर हो गया, पीछे क्या बचा? ए माइनस बी बराबर 30, क्योंकि टेन से टेन कंपेयर हो गया, खत्म हो गया, तुलना हो गई। इक्वेशन टू, इक्वेशन वन। अब क्या करेंगे कि समीकरण एक और दो की हेल्प से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण एक व समीकरण दो को क्या करो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, यानी कि समीकरण एक व दो को घटाने पर। और जैसे ही हमने घटाया तो ए प्लस बी बराबर 60 था इक्वेशन वन, और इक्वेशन सेकंड है ए माइनस बी बराबर 30। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी किसी इक्वेशन को इक्वेशन में हटाया जाता है, जैसे मैं ये लिखूँ 60 और 30 माइनस करूँगा, तो ये माइनस लगा देते हैं ना अपन, ऐसे तो लिखते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस था लेकिन साइन माइनस का लगा देते हैं, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा का वैसा, मतलब नीचे वाली वैल्यू में साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। कैसे? कि अगर ये ऐसा होता कि 60 में से माइनस 30 को माइनस करो, तो आप क्या लिखते? 60 और माइनस 30, और कौन सा? ये वाला, और फिर ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। मतलब आपको करना है क्या, जो पहले जो यहाँ साइन लगा उसको चेंज करना है। कब? जब माइनस करना होता है तब। मेरी बात को ध्यान से समझना, मतलब मेरा कहने का बच्चों ये है कि जब किसी चीज़ को इक्वेशन को इक्वेशन माइनस किया जाता है, तो नीचे के साइन बदल जाते हैं। ए प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, बी माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, थर्टी प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना? वेरी गुड। हालांकि इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, विलोपन विधि, जो अपन आपकी चैप्टर थ्री मैथ्स के अंदर पढ़ रहे हैं। अब देखो, 60 में से 30 चला गया तो क्या बचा? 30 डिग्री, ठीक है। किसका? प्लस का, क्योंकि 60 प्लस की वैल्यू है, 30 माइनस की वैल्यू है। अब यहाँ पर ये प्लस का बी, ये भी प्लस का बी, तो प्लस का 2b, ए से ए खत्म, क्योंकि प्लस का और माइनस का ए खत्म हो गया। अब यहाँ b बराबर क्या आ गया? 30 अपॉन 2, यानी कि b की वैल्यू क्या आ गई? 15 डिग्री। बात समझ में आ गई। और जो b की वैल्यू आई, द वैल्यू ऑफ b पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रख देंगे? दो में रखो चाहे एक में रखो, एक में रख दो, एक ही बात है, कहीं पर भी रख दो। b के मान को समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, कहीं पर भी रख दो, चाहे एक में रखो चाहे दो में रखो। एक में रखा तो एक कहता है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। हमने कहा a तो अपनी जगह है, लेकिन b कहता है कि मैं तो 15 डिग्री हूँ। चलो आपको 15 डिग्री लिख देते हैं, 60 माइनस 15 डिग्री, तो a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। आगे ना दोनों आंसर, उसने क्या कहा था? ए और बी का मान ज्ञात करो, हमने कहा ये लो साहब। फिर उसने ये बात भी कही थी कि ए और बी की वैल्यू दोनों को जोड़ने पर 90 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, हमने कहा नहीं है, 15 और 45 60 होते हैं। फिर उसने कहा 90 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 90 के बराबर, लेकिन हमारे तो 60 ही, ये बात फॉलो कर दी हमने। 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए, 0 डिग्री से बड़ी है। एक बात और कही उसने, ए की वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए, हमने कहा यस, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, ये है बात। समझ में आई ना? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपका।
हाँ अब देखो अपने 8.2 का लास्ट क्वेश्चन चौथा, ये भी कारण वाला क्वेश्चन है, रीजन पूछ रहा है आपसे। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य हैं, कौन कौन से असत्य हैं, अगर सत्य हैं तो कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। स्टार्ट विद द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन मतलब चौथे का फर्स्ट पार्ट, इसने क्या कह दिया कि साइन ए प्लस बी इक्व टू साइन ए प्लस साइन बी, यस या ट्रू या फॉल्स? बिल्कुल फॉल्स है। फॉल्स कैसे? फर्स्ट को आंसर हो जाएगा पहली बात तो फॉल्स, फॉल्स का मतलब असत्य। और असत्य क्यों हुआ उसके पीछे लॉजिक बताता हूँ कि सपोज अपन ए की जगह 30 रख लिया और बी की जगह अपन ने 60 रख लिया, या फिर ए 60 रख लिया बी 60, कुछ भी रख लो, तो साइन की वैल्यू क्या आई? 30 प्लस 60, यानी कि साइन 30 प्लस साइन 60, ये हो गया साइन 90 भाई। 30 प्लस 60 साइन 90 हो गया, तो क्या कभी बराबर आएगी वैल्यू? साइन 30 की वैल्यू 1.2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3.2 होती है, जबकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। मतलब कभी भी ये वैल्यूएं इक्वल नहीं होगी, ये आपका इसका कारण हो गया। समझ में आ गई ना? बहुत बढ़िया। सेकेंड है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये बात बिल्कुल सही है। यस, क्योंकि आपने टेबल लर्न करी होगी, सत्य लिख देना, सत्य तो हाँ भी सही है, और सत्य लिख देना, ट्रू लिख देना। आपने टेबल लर्न कर दी हो, क्योंकि मैंने बहुत ही प्यारी टेबल आपको लर्न करवा दी थी, उसमें ज़रा देखना आप, साइन थीटा बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, 0, 1/2, 1/√2, √3.2, 1, मतलब बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है भाई, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो थीटा में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है साइन थीटा, वैसे वैसे बढ़ रहा है। ये बात तय है कैसे, कि अगर मैं बात करूँ साइन 30 की, तो साइन 30 तो 1/2 होता है, जबकि मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ साइन 90, तो साइन 90 1 होता है। ये आपका आंसर का लॉजिक हो जाएगा, रीज़न हो जाएगा कि यस मान सही है, बढ़ रहा है, क्योंकि देख लो बोले बढ़ रहा है। अब बात करते हैं तीसरे की, लेकिन कोस में उल्टा होता है, कोस इधर से चलता है, मतलब कोस में जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वो माइनस मतलब कम होता चला जाएगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान वृद्धि होती है, नहीं, फॉल्स। सेम क्वेश्चन पूछ लिया लेकिन कोस थीटा में नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यही है कन्फ्यूजन। साइन थीटा में जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैल्यू भी बढ़ेगी, कोस थीटा में थीटा की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैल्यू कम होती चली जाएगी। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, आंसर का रीज़न लिखते हैं। रीज़न ये रहेगा कि अगर मैं कहूँ कि कोस की बात करूँ, सॉरी, कोस 30, कोस 30 की वैल्यू होती है साइन 60 √3.2, और मैं बात करूँ कोस 60 वो होती है 1/2, मतलब जैसे थीटा बढ़ गया वैल्यू कम हो। कैसे? कि अप्रोक्स √3 की वैल्यू होती है 1.732, ऐसा माना जाता है अप्रोक्स वैल्यू। 2 से अपन जब डिवाइड करेंगे इसको तो यहाँ वैल्यू निकल के आती है 0.86 लगभग इस तरीके से, और यहाँ हम वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 0.5, मतलब यहाँ तो 0.8 है, यहाँ 0.5 होगी ना कम। तो ये कुछ बातें हैं, मतलब ये आपके आंसर का रीज़न हो जाएगा, लॉजिक हो जाएगा। ऐसे ही थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा, नो, इम्पॉसिबल, असत्य, यानी कि ये भी फॉल्स है, कभी बराबर नहीं होगा। रीज़न देखो कि सपोज मैंने थीटा 30 डिग्री ले लिया, सपोज, तो साइन 30 बराबर कोस 30 क्या बराबर आ सकते हैं आंसर? कभी नहीं। साइन थीटा की वैल्यू तो 1/2 होती है और कोस 30 की वैल्यू √3.2 होती है। लेकिन हाँ, एक अपवाद है, इसने कहा सभी मानों पर, अगर ये वर्ड यूज़ नहीं करता फॉर ऑल, तो ध्यान रखना थीटा 45 डिग्री जब हो, है ना, यानी कि जब साइन 45 डिग्री हो और कोस भी 45 डिग्री हो, तो बिल्कुल बराबर होती है 1/√2, 1/√2, लेकिन ओनली एंड ओनली, मतलब केवल और केवल इसमें होती है और किसी में नहीं, तो ये ध्यान रखना। हालांकि ये बात आपको लिखनी नहीं है इसमें, क्योंकि इसने कहा सभी मानों के लिए, फॉर ऑल, तो अपने इसको गलत साबित कर दिया कि नहीं सभी के लिए तो नहीं, देख ऐसे तो नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, अगर एक अलग से कोई क्वेश्चन आ जाए कि किसी एक मान के लिए, तो आप कह देना यस एक मान के लिए तो है, और वो है 45 डिग्री। किसी एक वैल्यू के लिए तो आप कह दोगे यस थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, वो करेक्ट है, वेरी गुड। अब बात किसने की, अगर ए की जगह 0 रख दिया जाए तो क्या कोट ए
परिभाषित नहीं है, मतलब नॉट डिफाइन इन्फिनिटी। यस, ये बात भी ट्रू है, मतलब कि सत्य है। कैसे कि अगर मैं कोट ए की जगह ज़ीरो रख दूं तो कोट ज़ीरो की वैल्यू नॉट डिफाइन होती है, बिल्कुल सही है, परिभाषित नहीं है, ये इसका रीज़न हो जाएगा। ये था चौथा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन, क्या है कि ये रीज़न के साथ पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ट्रिग्नोमेट्री के किंग बन जाओगे एक दिन, आप प्रैक्टिस करते रहना। ये थी अपनी एक्सरसाइज 8.2, अब अपन करेंगे 8.2 से पहले वाले सारे एग्जाम्पल। ठीक है, ओके।